हेलो मेडिकोस वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो और आज हम इस वीडियो में अगेन कंटिन्यू करेंगे बायोस्टेटिक एंड रिसर्च मैथडलॉजी में यूनिट नंबर थर्ड का हम पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हमने आ, सारी चीज़ें देखी थी रिसर्च के बारे में डेफिनेशन उसके नीड्स कैसे रिसर्च डिजाइन करते हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं सिग्निफिकेंस है ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी ओके okay, अब हम देखेंगे प्लेजिया प्लेजिया रिज्म क्या होता है इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू द रिज। हम इसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि हम किसी वर्ड्स और आ, किसी के वर्ड्स और आइडियाज़ को जब हम क्या करते हैं साइटिंग करते हैं यानी चुराते हैं बिना उसे क्रेडिट दिए ओके जब हम किसी के किसी और के वर्ड्स और आइडियाज़ साइट uh, कर रहे हैं बिना किसी के परमिशन के ओरिजिनल सोर्स के परमिशन के तो हम uh, क्या करते हैं प्लेजरिज्म उसे कहते हैं ओके टू स्टील और पास ऑफ द आइडियाज वर्ड्स ऑफ अनदर एज वंस ऑन यानी किसी और के वर्ड्स uh, और आइडियाज uh, को चुराना ही क्या कहलाता है प्लेजिया लाइक uh, like, विदाउट क्रेडिटिंग द सोर्स यानी हम बिना उसे क्रेडिट दिए हम उसे अपना बोल रहे हैं तो ये चीजें रॉन्ग होती हैं प्लस आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है तो इसीलिए हमें इन चीजों के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है टू कमिट द लिटरेरी यानी कि एक तरीके से क्या है एक लिटरेरी थे मतलब लिटरेरी चोरी करना प्रेजेंट एज न्यू एंड ओरिजिनल एंड आइडिया और प्रोडक्ट ड्राइव फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सोर्स यानी कि हमने अपना एक न्यू ओरिजिनल डाटा बनाया और हमने वो वर्ड्स वो आइडियाज़ कहाँ से लिया है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन हमने उसके बारे में क्रेडिटिंग नहीं दी हमने कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया कि हमने कहाँ से चीजें ली लिए तो वो हमारा एक प्लेजर रिज कहलाएगा ओके okay? क्योंकि कोई भी अपने अपने से जो क्रिएट की गई चीज़ें हैं ओरिजिनल चीज़ें हैं अगर कोई उसे थेप करेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा प्रोटेस्ट होगा उसके अगेंस्ट यानी कुछ ना कुछ एक्शन लेगा ये जो ओरिजिनल सोर्स होगा तो इसीलिए लिए प्लेज करना हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है आ, हम लॉस में जा सकते हैं यहाँ तक कि इंप्रिजमेंट होता है यानी जेल की सजा भी हो रही है आज के टाइम पे बहुत सारी चीजें इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एक्शंस ओके वट डज प्लेस या लुक लाइक किस तरीके से प्लेजर होता है जैसे कि कॉपिंग द समवंस वर्क अगर हमने किसी के वर्क को कॉपी कर लिया है साइटिंग अ सोर्स इम्प्रॉपरली हम जो भी सोर्स को साइट कर रहे हैं चुरा रहे हैं ले रहे हैं और उसे इम्प्रॉपरली ले रहे हैं यानी हम उस पर मैंशन नहीं कर रहे क्रेडिट नहीं दे रहे ओरिजिनल सोर्स को तो ये क्या है प्लेजरिज्म होता है ओके फेलियर ऑफ साइट और सोर्स यानी कि जो भी सोर्स हमने लिया है उसमें फेलियर होना क्रिएशन ऑफ फॉल्स सोर्सेस या फिर हम गलत सोर्सेस उसमें ऐड कर रहे हैं टर्निंग अनदर्स पर्सन योर ओन यानी दूसरे का काम हम खुद पे खुद के लिए क्या कर रहे हैं प्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे शो कर रहे हैं कि ये हमारा वर्क है तो इस तरह की चीजें प्लेजरिज्म के अंदर ही आती हैं ओके कंसीक्वेंसेस एंड पनिशमेंट अगर हम प्लेजरिज्म करने में फेल हो जाते हैं यानी हमने जो कंटेंट चुराया है और उसे वो अगर आइडेंटिफाई हो गया तो हमें पनिशमेंट होगी ओके और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फेलियर ऑफ असाइनमेंट होता है इट इज़ वेरी इजी टू टेल इफ़ यू हैव प्लेजराइज यानी कि आज के टाइम पे ये चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं हम इज़ीली ये पता कर सकते हैं कि कोई भी कंटेंट है वो प्लेजराइज है या फिर नहीं है इसीलिए बी अलर्ट एंड बी हम कह सकते हैं uh, ट्रस्ट वर्ती ओके तो अपने काम को दूसरों के काम को अपना बनाना इजी है लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हार्मफुल भी है ओके okay? हम उसमें लॉस में जा रहे हैं प्लस हम कोई अपना आ, इमेज क्रिएट जो हमने इमेज क्रिएट करी है इन चीज़ों को करके वो भी जा सकती है तो इसलिए ये सारी चीज़ें अभी हमारे सिलेबस में ऐड करी गई हैं ताकि हमें नॉलेज हो जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो प्रायर हमें आ, उसके बारे में डीप नॉलेज होना चाहिए कि इससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं क्या हार्म हो सकते हैं ओके हाउ टू अवॉइड प्लेसार्ज अब कैसे अवॉइड कर सकते हैं वहाँ पर समराइज़ फर्स्ट uh, पॉइंट है समराइजिंग करना यानी यू मस्ट रेफरेंस द ओरिजिनल सोर्स यानी रेफरेंस में आपको ओरिजिनल सोर्स ऐड करना है योर समरी शुड बी शॉर्टर देन द टेक्स्ट यू आर समराइजिंग हमने मान लिया कि हमें कोई भी कंटेंट अच्छा लग रहा है ओरिजिनल सोर्स से हमने वहाँ से वर्ड्स निकाले लेकिन वो जो वर्ड्स निकाले हम वर्ड्स ना निकाल के हम इंफॉर्मेशन निकाले और उसे अपने वर्ड अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें तो वो हमारा प्लेजर रिज के अंदर नहीं आएगा यानी कोई लॉन्ग एक्सट्रैक्ट है उसमें से हमें क्या करना है शॉर्ट शॉर्टर समरीज वहाँ पर डेवलप करनी है विद इन मतलब हम अपने लैंग्वेज में उसे क्रिएट करना है ओके okay? तो इस तरीके से हम प्लेजर रिज से पढ़ सकते हैं यू मस्ट यूज़

पैराफ्रेस यानी यू मस्ट रेफरेंस द ओरिजिनल सोर्स सेम चीज़ें हैं कि यहाँ पे भी आपको ओरिजिनल सोर्स को रेफरेंस देना है द टेक्स्ट यू प्रोड्यूस मे बी शॉर्टर और लॉन्गर देन द ओरिजिनल टेक्स्ट या तो तुम ओरिजिनल टेक्स्ट से क्या करो शॉर्टर करो या लॉन्गर करो ओके यानी कि वहाँ पे समराइजिंग हम या तो शॉर्ट में उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग करके ताकि जो हमने वर्ड्स निकाले हैं ओरिजिनल सोर्स से वो कम दिखे ओके यू मस्ट यूज़ योर आउन वर्ड्स और हमेशा अपना वर्ड यूज़ करें ना कि ओरिजिनल कंटेंट का हो ओके क्योर्ड क्योर यू मस्ट रेफरेंस द ओरिजनल सोर्स अगर क्योर्ट है कोई तो वहाँ पर भी क्या करना है आपको ओरिजिनल सोर्स को रेफरेंसिंग देनी है द टेक्स्ट प्रोड्यूस इज द एक्स्ट्रैक्ट एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स कोटेड यानि कि जो भी हमने टेक्स्ट प्रोड्यूस किया है ओके टेक्स्ट प्रोड्यूस इज द एक्सट्रेक्ट एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट कोटेड कोटेड कर देते हैं एलिप्स आर यूज ओके यू मस्ट यूज द ओरिजिनल ऑथर्स एग्जैक्ट वर्ड्स एंड यू मस्ट कोटेशन मार्क अराउंड दैम ओके एंड यू मस्ट इंक्लूड द पेज नंबर ऑफ द सोर्स या फिर हम पेज नंबर एड कर सकते हैं जहाँ से भी हमने वो क्योर्ड निकाला है ओके okay? बॉर्ड द ऑथर्स ओरिजिनल लैंग्वेज यू कैन इंट्रोड्यूस कोर्ड्स विद फ्रेसिस लाइक अकॉर्डिंग टू हम इस तरीके के भी कोड यूज़ कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मतलब हमने वहाँ पे क्या करा ओरिजिनल जो भी uh, उसका एस ओ ई है ओके okay? वो उसका नाम मैंशन कर देना साइंटिस्ट का जो भी है जिसका भी वर्क हम हाइड uh, कर रहे हैं ओके हाउ टू साइट साइट कैसे करना है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन ए फुल गाइड टू साइटेशन कैन बी फाउंड ऑन देअर वेबसाइट यहाँ पर हम इस वेबसाइट से ये सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं किस तरीके से साइटिंग होनी चाहिए प्रॉपरली ओके एंड इन टेक्सट साइटेशन टेक्सट साइटेशन में इन डायरेक्ट कोर्ट यानी कि सम रिसर्चर्स नोट दैट चिल्ड्रन आर टोटली इनसेंसिटिव टू देअर पेरेंट साइनस जिम्बार्डो इस तरीके से हमने कोटिंग कर दी या फिर हम डायरेक्ट कोटिंग ये तो हमने इनडायरेक्ट कोटिंग करी ओके okay, अब हम डायरेक्ट कोटिंग कैसे करेंगे जिम्बार्डो नोट्स दैट चिल्ड्रन आर टोटली इनसेंसिटिव टू देयर

फ्रॉम uh, uh, जैसे कि फ्रॉम बुक और जर्नल आर्टिकल्स लास्ट नेम पेज नंबर होना चाहिए इफ़ देयर इज़ नो ऑथर टाइटल और पेज नंबर हम मैंशन कर सकते हैं अगर कोई ऑनलाइन सोर्स है यूज आइदर द ऑथर नेम और इफ़ द पेज हैज़ नॉन ऑथर आर्टिकल टाइटल इन मतलब हमें सारी चीज़ें उससे रिलेटेड इस तरीके से मैंसर करनी होती है आर्टिकल का टाइटल क्या है लास्ट नेम क्या है इफ़ यू फील इट इज़ अनक्र यू मै ऑल्सो साइड द डाटा बेस एग्जाम्पल लास्ट नेम और द एन वाई टी टाइम्स ओके वट इज अ वर्क साइटेड अ वर्क साइटेड इज अब हम देखते हैं वर्क साइटेड क्या होता है अ वर्क साइटेड इज अ लिस्ट ऑफ द सोर्स सोर्सेज लिस्ट ऑफ द सोर्सेज दैट गोज एट द एंड ऑफ योर पेपर और प्रेजेंटेशन दैट टेल्स द रीडर ऑल द सोर्स यू हैव यूज यानी कि हम वर्क साइटेड में क्या करते हैं जो भी हमने सोर्स जिस सोर्स से भी हमने चीजें निकाली हैं कोई भी कंटेंट निकाला है उसे लास्ट में हमने वर्क जहां भी हमने अपना कंटेंट लिखा है लास्ट में हमें मैंशन करना होगा कहाँ कहाँ से हमने चीजें एक्सट्रैक्ट uh, करी हैं ओके okay? तो इस तरीके से हम प्लेजर से बच सकते हैं फॉर्मेटिंग द सोर्स इन अ वर्क साइटेड इज डिफरेंट फ्रॉम फॉर्मेटिंग इन टेक्सटाइल टेक्स्ट साइटेशन ओके यानी कि कोई काम हमने साइट किया है या फिर कोई टेक्स्ट दोनों में थोड़ा सा उनके फॉर्मेट में अंतर आता है द लिस्ट शुड बी एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और जो लिस्ट होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए यूज़ दिस साइट टू हेल्प यू विद साइटेशंस और ये हमारे कुछ साइट हैं जो आपको साइटेशन में हेल्प करती हैं ओके एग्जाम्पल्स लाइक बुक ऑथर्स लास्ट नेम अगर हमने किसी बुक से हमने कोई कंटेंट निकाला है तो किस तरीके से हम उसमें साइटेशन मेंशन करेंगे ऑथर्स का लास्ट नेम फर्स्ट नेम मेंशन होगा टाइटल ऑफ द बुक होगी सिटी ऑफ पब्लिकेशन पब्लिशर ईयर ऑफ पब्लिकेशन मीडियम ऑफ पब्लिकेशन तो इस तरीके से मैंसन कर सकते हैं अगर ऐसे और चैप्टर है किसी बुक में ऑथर्स का लास्ट नेम फर्स्ट नेम टाइटल ऑफ एस चैप्टर टाइटल ऑफ बुक ये सारी चीज़ें हमें मैंशन करनी होती है कोई आर्टिकल है अगर वहाँ से हमने कोई कंटेंट एक्सट्रेक्ट किया है तो वहाँ पर भी हमें ये इस तरीके से मैंशन करना होगा ओके पीरियडिकल डे मंथ ईयर पेज मीडियम ऑफ द पब्लिकेशन ओके देन एंटायर वेबसाइट है कोई वेबसाइट है वहाँ से निकाला है तो वहाँ पे भी हम ये सारी नेम ऑफ द वेबसाइट नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन एड एफलेटेड विद द साइट इन इंस्पॉन्सर्स जो पब्लिशर है डेट ऑफ रिसोर्स क्रिएशन इफ़ अवेलेबल मीडियम ऑफ पब्लिकेशन डेट ऑफ एक्सेस ये सारी चीज़ें मैंशन करनी होती है पेजिस ऑन वेबसाइट ऑथर नेम सेम इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो हम क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जहाँ से भी हमने अपना कंटेंट एक्सट्रैक्ट किया है इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर्स ऑलवेज डबल चेक एक रिमाइंडर ये है हमेशा जब भी हम साइटेशन करते हैं ऑलवेज डबल चेक ऑल योर साइटेशन फॉर एक्यूरेसी प्रॉपर फॉर्मेटिंग ऑथर्स पेज नंबर ये सारी चीज़ें प्रॉपरली डबल चेक होनी चाहिए मेक श्योर ऑल योर टेक्स्ट इन साइटेशन मैच द सोर्सेज यानी जो भी तुमने साइटेशन सोर्स वहां पे मेंशन किया है वो बिल्कुल मैच होना चाहिए ओरिजिनल सोर्स से ताकि फाइंडिंग करने में इजी हो क्योंकि ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है जिसके थ्रू हम प्लेजर को क्या कर सकते हैं पता कर सकते हैं ओके एनी वन रीडिंग योर वर्क शुड बी एबल टू ईजिली लोकेट द ओरिजिनल सोर्स यानी कोई भी अगर तुम्हारे वर्क को रीड कर रहा है तो वो इजली ओरिजिनल सोर्स तक क्या कर सके लोकेट कर सके इस तरीके से सारी चीजें मैंशन होनी चाहिए करेक्ट वे में अब गुड सोर्सिस क्या हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी प्रेसिस होती हैं हारवर्ड कैम्ब्रिज मेजर पब्लिशिंग हाउसेस वेल नॉन ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस गवर्नमेंट वेबसाइट्स वेल नॉन रूल्स पेपर्स वेल नॉन मीडिया सोर्सेज मैगजीन्स ऑनलाइन जर्नल यहाँ से हम क्या कर सकते हैं uh, कोई भी अपने uh, जो भी हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विथ साइटेशन बेड सोर्सेज क्या हैं अब बैड सोर्सेज यानी कहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे कई बार वहाँ पे एक एक तब सब कह सकते हैं एक्यूरेसी नहीं होती है कंटेंट में विकीपीडिया पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं नॉन क्रेडिबल न्यूज़पेपर्स मैगजीन एडिटोरियल्स थिंक अबाउट बायस ओके then thank you in next lecture we will continue the other topics okay and if you uh, like this video please subscribe and share more and more with your colleagues and uh, needy person and i am very thankful that you are supporting me continuously